राष्ट्रीय मीणा महासभा की ओर से आज आदिवासी समाज के द्वारा समाज के महंत रामेश्वरानंद हरि और लगभग 28 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सभी को माला साफा पहनाकर शील्ड प्रदान की गई और उनकी कोरोना महामारी के दौरान दी गई सेवाओं के लिए सराहना करते हुए आभार जताया गया। इस बीच महंत रामेश्वरानंद हरि ने बताया कि उन्हें 5 अगस्त को अयोध्या में हुए राम जन्म भूमि पूजन के दौरान आमंत्रण मिला था। यह पूरे आदिवासी समाज के लिए बड़े ही गौरव और सौभाग्य की बात है, इसलिए समाज के द्वारा आज उनका भी सम्मान किया गया, जिसके लिए वे समाज के आभारी हैं। राष्ट्रीय मीणा समाज के कर्तव्य मीणा ने बताया कि आज पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, बैंककर्मी, सफाईकर्मी आदि कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया है। अजमेर की पावन धरती पर राष्ट्रीय मीणा महासभा की ओर से एक समारोह आयोजन किया गया। इसका निमित्त ये था कि पिछले दिनों 5 अगस्त 2020 को मुझे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जो निमंत्रण प्राप्त हुआ और मैं इस अयोध्या की पावन धरती पे उस भूमि पूजन के दिव्य आयोजन में मेरी वह सेवा शामिल हुई। इस विषय को लेके राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे देश में, पूरे विदेश में बहुत ही खुशी की लहर है कि ये काल सदियों बाद आया है। लमसम 5 सदी बीतने को थी तभी आया। और आदिवासी समाज जिसका एक राष्ट्रीय लेवल पे राष्ट्रीय मीणा महासभा काम करती है, राष्ट्रीय मीणा महासभा की ओर से मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि हम सब आदिवासी आज इस पर्व को, जो राम जन्मभूमि का पर्व था जो 5 अगस्त 2020 को मनाया गया, उसमें देश की सहभागिता हो, हर नागरिक की सहभागिता हो। आज इस आदिवासी समाज ने जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है, उसका बहुत बड़ा संगठन है ये, जो राष्ट्रीय लेवल का संगठन है राष्ट्रीय मीणा महासभा। इनके आज हमारे बीच में राष्ट्रीय मीणा महासभा की ओर से जो प्रमुख राष्ट्रीय मीणा महासभा के विधि सलाहकार श्रीमान शशि प्रकाश पबड़ी, राष्ट्रीय मीणा महासभा की ओर से सह कोषाध्यक्ष जो केंद्र की ओर से पधारे हैं, एवं अजमेर डिस्ट्रिक्ट के श्रीमान कर्तम मीणा जो राष्ट्रीय मीणा महासभा के अध्यक्ष हैं, और ब्रजमोहन मीणा जी जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के राष्ट्रीय मीणा महासभा के जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने आज बुला के स्वागत किया, सम्मान किया। ये मेरा सम्मान नहीं है, ये मुझे लगता है देश की जनता का सम्मान है, और ये सम्मान मैं भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करता हूँ। अगर वो हमको नहीं बुलाते तो शायद सम्मान भी नहीं होता। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आज आदिवासी समाज ने मेरे को आश्वासन दिया है कि स्वामी जी जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कोरोना काल का समय जो है लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉक होगा और पूर्णतः अनलॉक जब होगा तो पूरा भारत का आदिवासी समाज, मुख्यतः राष्ट्रीय मीणा महासभा, कार सेवा करने को तैयार है। हर प्रकार सेवा तन मन धन से राम का भव्य मंदिर बने उसके लिए तैयार है, क्योंकि राष्ट्रीय मीणा महासभा का मानना है कि जो हमारे पूरा मीणा महासभा अपने आप को भगवान मत्स्य के वंशज मानते हैं, और भगवान मत्स्य जो हैं हमारे प्रथम अवतार हैं, प्रथम अवतार हमारे भगवान मत्स्य हैं, और उस दृष्टिकोण से भी हमारा नैतिक और धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य बनता है कि समाज अग्रणी होकर इस कार्य को आगे पूर्ण सहयोग करे। और आश्वासन हुआ है, और पुनः मैं भारत की सारी आदिवासी जनता से ये अनुग्रह करूँगा, उनको इस बात का प्रेरणा दूंगा कि जहाँ जहाँ भी है
क्योंकि मुझे लगता है राम अगर अयोध्या में होते तो राम कभी पूजनीय ना होते। राम जब तक जंगल में गए, वनवास में गए, वनवासियों के बीच में गए और वनवासियों के सारे क्रियाकलापों को जाना, उस दिन से वो भगवान कहलाए। उससे पहले बालक राम ही थे। तो आज आदिवासी समाज का भगवान राम के साथ बहुत सहयोग रहा है, पूर्णता सहयोग रहा है। निषाद, कोल, भील, क्राट जितने भी थे ये सारे आदिवासी थे। आदिवासियों ने भगवान श्री राम को भगवान बनाया एवं मर्यादा भी सिखाई, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहलाई। मैं ज़्यादा कुछ ना कहता इतना ही कहूँगा, आज पूरा भारतवर्ष, ये पूरा आदिवासी समाज जो आज यहाँ जुड़ा हुआ है, ये सारे आज कोरोना काल में लोगों की संख्या 50 ही रखनी थी और ये 50 से भी नीचे ही है, 2-3 कम ही हैं। और सब लोगों ने कोरोना काल में, हम तो ये कहेंगे जो राष्ट्र कर रहा है, प्रदेश कर रहा है, देश राष्ट्र भी, केंद्र भी ठीक कर रहा है, स्टेट भी ठीक कर रहा है, और सभी लोग अपने आप की सुरक्षा करें। आज राष्ट्रीय मीणा महासभा की ओर से हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिन्होंने काम किया है, समाज के उन योद्धाओं को हमने सम्मान दिया है। सम्मान के रूप में उन्हें माला साफा पहना करके और शील्ड दे करके सम्मानित किया है। और इसी क्रम में हमारे राजस्थान से राष्ट्रीय हमारे राजस्थान से एकमात्र राम जन्मभूमि भी पूजा के दौरान गए, उन्होंने इतना बड़ा सम्मान मिला उन्हें, उसके लिए उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। वो हमारे लिए ही नहीं, आदिवासी समाज के लिए नहीं, आल और राजस्थान के लिए सम्मान की बात है। इस प्रोग्राम में किसी राज्य के राज्यपाल को नहीं बुलाया, मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। हमें सौभाग्य है कि ऐसे संत को बुलाया जो हमारे बीच आ जाए, उनको हम सम्मान दे रहे हैं। वो डॉक्टर रामेश्वर आनंद हरी।